दिल्ली के पॉश इलाके पीतमपुरा में 1 करोड़ से ज़्यादा की चोरी, घर में रखी ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, घर के सदस्य हरिद्वार गए थे, पीछे से चोरों ने ही वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात के बाद इलाके में डर का माहौल है। मौर्य एनक्लेव थाना पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पुलिस सुरक्षा के लाख दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसमें कोसों दूर है। दिल्ली के नॉर्थ जिला अंतर्गत पीतमपुरा इलाके में चोरों ने एक घर में धावा बोलकर करोड़ों से ज़्यादा की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर में रखा सभी सामान चुरा ले गए। मौर्य एनक्लेव थाना पुलिस ने घर के मालिक के बयान पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। वहीं घर के मालिक देवेश प्रधान के मुताबिक वो इसी घर में अपनी बेटी के साथ अकेले रहते थे। कुछ निजी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे और 14 तारीख की रात जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और घर के अंदर का जो मंजर था उसको देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर का सामान तितर बितर बिखरा पड़ा था। घर में चोरी हो रखी थी ऐसा साफ दिख रहा था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, पीड़ित घर के मालिक देवेश और उनकी बेटी प्रियंका के मुताबिक चोरों ने घर में दाखिल होकर तकरीबन 100 तोले से अधिक गोल्ड ज्वेलरी, हीरे और चांदी के जेवरात के साथ तकरीबन 5 लाख रुपए नकद और घर में रखी 2 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस चोरी कर ली। घर के मालिक का आरोप है कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस पहले मामला दर्ज करने से बचते हुए उन्हें धमका रही थी कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती है, मगर आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बयान के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के में जुटी हुई है। वहीं लेकिन घर में रहने वाली दोनों बाप बेटी ने अपनी जान की खतरा भी बताया है, जिसको लेकर पीड़िता परिवार से पुलिस से अब जो है मदद और सुरक्षा की मांग भी करी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा हुआ, और वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई। अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक पुलिस जो है चोरों को पकड़ पाती है। आर सो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। ये भी फाड़ रखा है, टीवी लैपटॉप टैबलेट सब ले गए। आज बटन नीचे आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं 14 तारीख की रात को उस पर आया हूँ 12:15 बजे से, तो आके मैंने गेट मैंने खुला देखा और मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे घर के अंदर चोरी देखी। मैंने उसी टाइम 100 नंबर पुलिस वाले को कॉल करी और मेरे अंदर देखा मेरी बेटी रो रो के घबरा गई एकदम से, और उसके अंदर जो है मेरी देखा तो मैंने जाके चेक करा तो मेरा मकान में सब कुछ, मेरा जेवर था, मेरा लाइसेंस होल्डर रिवॉल्वर था, पिस्टल था 32 बोर का, ये सारा मेरा कुछ भी था, और मेरा कैश था 5 लाख रुपए मैंने जोड़ रखा था। और अभी मेरी एक हफ्ते 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी के लिए लड़की की बात चल रही है, तो मैंने उसके लिए मैंने सामान जब ला के सोना मेरा सारा तगड़ी सेट बैट और चूड़ियाँ वूड़ियाँ सारी कुछ भी नहीं मिली ढूंढने से। कहाँ थे आप लोग और कितने दिन बाद आए? मैं एक हफ्ते के लिए हरिद्वार गया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए और उससे लौटा हूँ। उसके बाद मैंने मेरे को देखी घर के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। तो घर में उस दौरान कोई भी नहीं रहता? पीछे कोई भी नहीं रहता जी, हम दोनों पापा बेटी रहते हैं बस, हमारे हम दोनों के अलावा कोई नहीं। कोई सर्वेंट वगैरह? सर्वेंट उन्होंने कोई आज तक नहीं रखा जी। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है घर से? घर से जी कैश 5 लाख रुपया और सोने का सामान है हमारे, सारी मैंने डिटेल्स आपको अभी बता दी है। आईडिया कितना गोल्ड है? 100 तोले से ऊपर गोल्ड है। हाँ जी। और क्या सामान है? सोने की तगड़ी है जी, मेरे पुश्तैनी राव नोवी है और सेट है और चूड़ियाँ हैं और 51 चांदी के पुराने बाबा टाइम के चांदी सिक्के हैं, 2 चांदी के गिलास हैं
दो लोटे हैं और हाँ जी एक एक रिवॉल्वर मेरे पास लाइसेंस होल्डर एक पिस्टल मेरी घरवाली के नाम से। और कितनी गोली है चालीस दो दो डब्बी उसकी थी रिवॉल्वर की। इसके बारे में भाई साहब क्या बता सकता हूँ, अब इतनी है अब आपके सामने है जो इतना जेवर है पता है सारा मैंने डॉक्यूमेंट आपको दे नहीं, जितना सामान आप बता रहे हो उस हिसाब से आपके यहाँ डेढ़ करोड़ के आसपास डेढ़ करोड़ रुपए की। तो आप एक हफ्ते के लिए ऐसे छोड़ के किसी को? सर मैं अक्सर मैं जाता रहता हूँ और मेरे पास कम से कम यहाँ 30 से 40 साल से रख रहा हूँ, मेरा पास गोल्ड जो है मेरा यहीं रहता है, आज तक कभी मेरे हुआ नहीं और बस थोड़ा सा ये मेरे से गलती हो गई कि थोड़ा मैंने और क्या लग रहा है आपको थोड़ा क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, किसी पे शक है आपको या क्या मानते हैं? पता नहीं कोई मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है ना मेरे से किसी की दुश्मनी ना, अब किसी से कोई मेरे से दुश्मन मुझे समझता हो तो बात अलग है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा यादव जी अमूमन जिस तरह के हथियार आपने बताया आपका लाइसेंसी हथियार है, तो जब आदमी बाहर जाता है तो हथियार ज़्यादातर साथ लेकर के जाता है? तो सर मेरे पास जहाँ की स्टेटू की परमिशन है मैं वहीं कहीं तो ले जाऊँगा, मेरे पास 4-5 स्टेटू की परमिशन है, मैं उस स्टेट की परमिशन नहीं थी जहाँ मैं गया हूँ। क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका क्या हुआ और क्या पूरी घटना है बताओ। 14 तारीख को हम घूम के वापस आए तो हमने आके देखा कि हमारे घर के सारे लकड़ी के दरवाजे की कुंडियाँ टूटी हुई, तो सीधा हम ऊपर गए, हमने कमरे में जाके देखा पूरा हमारा घर बिखरा हुआ था और हमने कमरे में जाके देखा तो अलमारी के लॉकर वोकर भी तोड़ रखे थे और पूरी अलमारी साफ़ कर रखी थी जिसमें सोना पैसे पापा के लाइसेंसी हथियार 4 उनमें से 2 छोटे वाले हथियार रिवॉल्वर पिस्टल वो ले गए, चांदी की कई किलो ले गए, सोना था सब चिट कर गए, टीवी ले गए, इलेक्ट्रॉनिक में लैपटॉप टैबलेट सब ले गए। अच्छा कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह और ये? पीतमपुरा में रहते हैं, पीतमपुरा जैसे पोश इलाके में हमारी कोठी होते हुए ऐसी घटना हो गई, इसके बाद अब मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है इस घर में, मतलब जिस तरीके से ऐसे कोई घुस गया, सपोज़ मैं और मेरे पापा अंदर रहते हैं रात को हम सो रहे हैं ऐसे 5-7 लोग आ जाए मैं और मेरे पापा अकेले क्या कर पाएंगे? क्या शक है आप लोगों किसी पे? हमें किसी पे शक नहीं है पर जिस तरीके से ऐसा हुआ है ना मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, मेरे और मेरे पापा अब सेफ नहीं है यहाँ पे। अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो वो कैसी कार्रवाई रही, पुलिस के कितने संतुष्ट हैं? जैसे पुलिस की कार्रवाई में पुलिस वाले आते हैं घर देख के जाते हैं और हम लोगों को भी ब्लेम डालते हैं कि आपका तो ऐसे है आप लोगों के तो हो ही नहीं सकता इतना, आप तो यहाँ रहते ही नहीं, मतलब बोलते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं आप तो यहाँ 1 साल से रह ही नहीं रहे, मतलब मैं अकेली हूँ मेरी मम्मी की डेथ के बाद मैं अकेली सब संभाल रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ मैं घर भी संभाल रही हूँ, तो ऐसे कह रहे हैं कि आप तो इस घर में रहते ही नहीं हो। मैंने फिर उनको बोला जितना मेरे से बनता है उतना मैं करती हूँ और जिस जैसे भी मैं रहूँ मेरा घर में जैसे रखती हूँ, पर हम भी ब्लेम डाल रहे हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं आपका तो हो ही नहीं सकता इतना। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर भी बहुत मुश्किल से दर्ज करनी, तो वो कहते हैं कि 2-3 दिन तक अभी नहीं कर सकते एफआईआर दर्ज। क्या